नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस साल जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, उन्नति और उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत रखेंगी। यह व्रत 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। 5 अक्टूबर को नहाए खाए होगा, 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा, इसके बाद 7 अक्टूबर को इसका पारण किया जाएगा। तो अब मैं आपको नहाए खाए की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत में नहाए खाए के दिन नदी या तालाब में नहाने की परंपरा होती है। अगर आपके घर के आसपास नदी या तालाब हो तो वहाँ नहाकर पूजा कर सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही गड्ढा खोदकर छोटा सा पोखर बना लें और उसमें पानी भर दें। व्रती सबसे पहले नहा लें और नहाने के बाद गीला कपड़ा ही रहें जब तक कि पूजा विधि संपन्न ना हो जाए। सबसे पहले हम पोखर में सिंदूर से 5 टीका कर देंगे। उसके बाद 3 झिंगली का पत्ता लेंगे। एक पत्ता जितवाहन बाबा को देंगे, वो भी दाएं हाथ से, और चील को भी दाएं हाथ से, और सियार को बाएं हाथ से। यह परंपरा चलता आ रहा है कि हम चील को दाएं हाथ से और सियार को बाएं हाथ से सभी चीज़ अर्पित करेंगे। अब पिसी हुई खल्ली लेंगे और उसे सबसे पहले जितवाहन बाबा को और फिर दाएं हाथ से चील और बाएं हाथ से सियार को देंगे। फिर हम उसी विधि से दतवन चढ़ाएंगे, पहले जितवाहन बाबा को और फिर चील और सियार को। फिर हम तीनों को सरसों का तेल चढ़ाएंगे, फिर जितवाहन बाबा को फूल अर्पित करेंगे और फिर दाएं हाथ से चील और बाएं हाथ से सियार को चढ़ाएंगे। फिर तीनों को सिंदूर का टीका लगाएंगे और अगरबत्ती दिखाएंगे। इतना पूजा तो करना ही है, और अगर आपके सास ससुर जीवित नहीं हैं तो जितवाहन बाबा, चील और सियार के साथ अपने पितर को भी इसी विधि से पूजा करेंगे। उनके लिए भी एक पत्ता रखेंगे और पूरे विधि विधान से उनकी भी पूजा करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस तरह सभी का पूजा करने के बाद प्रणाम करेंगे और अपने बच्चों को भी प्रणाम करने को कहेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे बच्चों पर बनी रहे और वो दीर्घायु हो। और हाँ, सरसों का तेल और खल्ली अपने बच्चों के सिर में थोड़ा सा जरूर लगाएंगे और फिर अपने सिर में भी लगाकर पुनः स्नान करेंगे। लेकिन स्नान करने से पहले जो हमने पूजा किया था पोखर पर, उन पत्तों को भी फेंकेंगे। पत्तों को बिल्कुल श्रद्धा भक्ति के साथ फेंकना है। पहले हम जितवाहन बाबा का पत्ता उठाएंगे और उसे पोखर में डाल देंगे। उसके बाद हम चील का पत्ता दाएं हाथ से उठाएंगे और उसे भी पोखर में डाल देंगे। फिर हम सियार का पत्ता बाएं हाथ से उठाएंगे और उसे भी पोखर में डाल देंगे। फिर हम उनसे आशीर्वाद लेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम स्नान कर लेंगे और फिर तैयार होकर घर में पूजा करेंगे। घर में पूजा करने के लिए हम जितवाहन बाबा को केला के पत्ते पर भोग लगाएंगे, और अगर पितर को पूजना हो तो उन्हें भी केला का पत्ता ही देंगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद चील को दाएं हाथ से झिंगली का पत्ता और सियार को बाएं हाथ से झिंगली का पत्ता देंगे। अब प्रसाद में हम दही चूड़ा का भोग लगाएंगे, क्योंकि यूपी बिहार में दही चूड़ा ही चढ़ाया जाता है। जितवाहन बाबा को चूड़ा चढ़ाएंगे, फिर चील को और सियार को, फिर दही चढ़ाएंगे और फिर चीनी। इसके अलावा खज्जी भी चढ़ाएंगे, पहले जितवाहन बाबा को और फिर चील और सियार को। याद रहे कि चील को दाएं हाथ से और सियार को बाएं हाथ से ही चढ़ाना है, और फिर अंत में पानी से परछेंगे। धूप, पुष्प, अगरबत्ती सभी चीज़ों से उनकी पूजा करेंगे और फिर प्रणाम करेंगे और बच्चों को भी प्रणाम करवाएंगे। और फिर हम प्रसाद उठाएंगे और अपने बच्चों को बांटेंगे।
इस प्रकार से नहाय खाय की पूजा कंप्लीट होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।